नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 12 अगस्त जन्माष्टमी के दिन तुला राशि के जातकों के जीवन में यह घटनाएं हर हाल में होकर रहने वाली हैं और इन घटनाओं को टालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। चाहकर भी आप इन घटनाओं को टाल नहीं सकते हैं, चाहे तो आप लिखवा कर ले सकते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में कृष्णा जन्माष्टमी का विशेष महत्व होता है और इस बार 12 अगस्त कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर तुला राशि के जातकों के जीवन में बहुत सारी घटनाक्रम होंगी। आपके सारे के सारे दुख तकलीफों, समस्याओं और संघर्षों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। वहीं इस दिन कुछ जातकों के जीवन में भयंकर तूफान का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ जातकों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। उनकी परिस्थितियां, उनके हालात सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में कुछ जातकों को सावधान, सतर्क और संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी। वहीं कुछ जातकों के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है। आपको खुशियों की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है। मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर तुला राशि के जातकों के जीवन में कार्य क्षेत्र में सक्रियता करने के बेहतरीन मौके भी प्राप्त होंगे। आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे, आपको उस कार्य में भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होंगे। आपको ऐसा अवसर भी प्राप्त होगा जो करियर में बेहतर संभावनाओं के द्वार को खोल सकता है। आप जो भी कार्य करेंगे, भाग्य उस कार्य में आपका साथ देगा। आप अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। माता पिता का स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। उधार लेन देन से आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। मित्रों, कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ योगों के कारण आपके जीवन में जन्माष्टमी पर बनने वाले योग के कारण आपके राशि में बहुत बड़ा फायदा भी आपको प्राप्त होने वाला है और तुला राशि के जातकों के आर्थिक स्थितियां भी सुधर सकते हैं। कामकाज और व्यापार में तरक्की होंगे। धन संपत्ति से जुड़ा आपका कोई बड़ा लाभ भी होने की आशंका है। आपका भाग्य भी इस दिन पूरा हो सकता है तथा आपके जीवन में आपको धन प्राप्ति की संभावना बन रही है। करियर में आ रहे उतार चढ़ाव भी दूर हो सकते हैं। लंबे समय से आप जिस बड़े समस्याओं से जूझ रहे थे, उनका भी हल आपको प्राप्त होने वाला है। आपके लिए यह वृद्धि का योग धन लाभ लेकर आया है। आप किसी को उधार दे पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान नया घर, नया वाहन या घर खरीदने का भी योजना बना सकते हैं। संतान पक्ष से आपको बड़े सुखों की प्राप्ति होंगे। यह जन्माष्टमी आपके करियर के लिए बेहद शुभ साबित होंगे। जन्माष्टमी पर बनने वाले वृद्धि योग का आपके करियर में बड़ा ही लाभ देखने को प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों को भी अच्छा लाभ प्राप्त होंगे। कामकाज को लेकर आप काफी ज्यादा आर्थिक अवस्था व्यवस्थित रह सकते हैं। मित्रों, आप जो भी लंबे समय से जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं से छुटकारा भी प्राप्त होंगी तथा वृद्धि के योग की वजह से तुला राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है और आपको कार्य क्षेत्र में भी बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति आसानी से हो सकते हैं। आपके कई वर्षों से अटके हुए कार्य भी तेजी से बनेंगे। आप अपने जीवन शैली में नया बदलाव कर सकते हैं, नई मिसाल को स्थापित कर सकते हैं और आपको कार्य क्षेत्र, ऑफिस और व्यापार में भी प्रगति करने के लिए कठोर परिश्रम भी करने पड़ सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं और आपकी किस्मत भी हीरे मोती की तरह चमकने वाली है। आपके सभी समस्याओं का समाधान भी अवश्य ही होने वाला है तथा आपके दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन होने वाला है। आप प्रसन्न रहोगे और अपनी जिम्मेदारियों का भी बखूबी निर्वहन कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, जिनमें आपको सफलता अवश्य हासिल होंगी तथा आप किसी बड़े से बिजनेस ग्रुप में
पार्टनरशिप करने के मौके भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस समय आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। आपके दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन होने वाला है। आप भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य न करें। आप अपने मन की भड़ास को निकाल सकते हैं। ऑफिस सरकारी क्षेत्र में भी आपके कामकाजों के सारे सहारना होंगे तथा आपके कामकाज भी अवश्य पूरे होंगे। आपके जितने भी जरूरी कार्य हैं वो भी कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सही समय पर पूरे हो सकते हैं। आपको खुशियों की प्राप्ति भी अवश्य होंगी। आपके सोचने समझने और आपकी इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी करने के बेहतरीन मौके भी प्राप्त होंगे। आप किसी भी तरह की नई प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। आपके सितारे आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के मौके भी आपको प्रदान कर सकते हैं। आपका विशेष रूप से आपको जीवन में लाभकारी योजनाओं को बनाने के मौके भी प्राप्त होंगे। सहकर्मियों पर भी आप अपने प्रभाव को जताने की प्रवृत्ति रख सकते हैं तथा कृष्णा जन्माष्टमी यानी 12 अगस्त के दिन आपका कोई रुका हुआ कार्य भी बनने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके रिश्तों को बड़ी ईमानदारी से निभाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होंगे। संतान को लेकर आपकी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। कड़वे वचन का प्रयोग करने से आपको बचने होंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपको काफ़ी अच्छे और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होंगे। कोर्ट संबंधित मामलों में भी आपकी विजय हो सकते हैं। घनिष्ठ मित्र आपका हौसला को बढ़ा सकते हैं। जॉब में पुराने रुके कार्य भी दोबारा आप शुरू करने का कोशिश कर सकते हैं और किसी परिजनों के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना पड़ सकता है तथा आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में तीव्रता आने की संभावना है तथा अस्थायी संपत्ति में मिलने से आपके जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। नौकरी में भी आपकी स्थितियां काफ़ी अच्छी रहेंगी। समाज सेवा संस्था से आपका जुड़ाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में आपको परिवर्तन करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ और बेहतरीन फलदायी रहने वाला है। आपको सकारात्मक और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होंगे। कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर तुला राशि के जातकों को विशेष प्रकार की मौके की प्राप्ति होंगी। आप अपने परिवार वालों के साथ आनंद में समय बिता सकते हैं। बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। मानसिक तनाव दूर हो सकते हैं। इस समय यात्राओं पर जाना आपके लिए काफी शुभ रहेंगे। आप अपने निजी सामान को अपने पास सुरक्षित रखने का प्रयास जरूर करें। आप आय के नए स्रोत भी विकसित कर सकते हैं। मधुर और प्यार करने वालों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों में सुधार हो सकता है। गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता की प्राप्ति होंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। अतिरिक्त आय बढ़ाने के कुछ नए स्रोत भी मिल सकते हैं। कार्य में परिश्रम से सफलता मिलेंगे। नया निवेश करने से आपको बचे रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। पुराने निवेशों से भी आपको लाभ होंगे। आपके विरोधी भी शांत रहेंगे। काम में आपकी गति मजबूत हो सकती है। आपका दिन बहुत ही खुश और शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत होने वाला है। आप अपने काम काजों में भाग ले सकते हैं जिनमें आपके लोग भी युवा भी शामिल हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की वित्तीय योजनाओं पर अमल कर सकते हैं। आपकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी जिनके कारण आप अपने क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप ऋण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको विशेष प्रकार के सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होगी। पुराने फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। आप परिवार का स्नेह और सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं तथा आप लोगों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेंगे। आपकी किस्मत का दरवाजा भी खुलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थितियां भी मजबूत होने वाली हैं। नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर प्राप्त होंगे। मनोरंजन के कार्यों पर भी आपका खर्चा हो सकता है। प्रेम प्रसंगों में भी आपको सफलता प्राप्त होंगी। अनुकूल समय न होने से विपरीत स्थितियां भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी स्थितियों को सुधार जरूर करना चाहिए। प्रेम प्रसंग में भी आपको सफलता हासिल होगी। बीमारी आपके दुख का कारण हो सकता है। ऐसे में बीमारियों को दूर करें। नौकरी और सहकर्मियों के साथ आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। शासन सत्ता का सहयोग भी आपको प्राप्त होंगे तथा मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। आपकी प्रसन्नता से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें तथा आपको नए प्यार भी प्राप्त हो सकते हैं।
हैं। आप हंसी खुशी और हंसी मजाक और देखभाल के रवैये से अपने जीवन में उनको आकर्षित कर सकते हैं तथा लंबे समय से आप जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी आखिरकार सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको काम से संबंधित अवसरों और जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार रहने की विशेष जरूरत रहेगी तथा कार्यस्थल में भी आपका प्रभाव बढ़ सकता है। आपको पूर्व में की गई मेहनत का प्रतिकूल परिणाम मिल सकते हैं। आप अपने आसपास गतिविधियों पर ध्यान अवश्य रखें तथा आप अपने काम को विशेष रूप से करने के प्रयास करें। मित्रों, बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी तथा आपके सपने भी साकार होंगे। कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर तुला राशि के जातकों को विभिन्न प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफों से आपको छुटकारा अवश्य ही प्राप्त होंगी। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।